देखें जी, हम तो हमेशा हमने अदालतों के फैसलों का एहतराम किया है, तो अभी जो लीगल कोर्स है वो ड्यू कोर्स होगा। मुल्क के हालात आपको मालूम है कि बड़े टफ हैं, मुल्क के जिम्मे कर्जे बहुत ज़्यादा थे, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत कम किया है, तो इंशाल्लाह अगला साल जो है आप देखेंगे कि प्राइसेज जो है इंशाल्लाह अगले साल नीचे आएंगी ऊपर। अब मैं बकायदा
वेलकम के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा फैसला प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैंबर ऑफ कॉमर्स जनाब रवाना सुंदर आप साहब से खुशी सुनाई और मेहमान को वेलकम है। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर उनकी आद पर उनके असहाब पर। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब और फैसलाबाद की मैं समझता हूँ कि वो लीडरशिप जिसे अवाम ने बड़ी मोहब्बत से इस इलेक्शन में सिलेक्ट किया और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये सिलेक्शन सही साबित होगी और जब 5 साल पूरे होंगे तो आप इस शहर की वो खिदमत कर चुके होंगे जिसके लिए लोगों ने आपका इंतखाब किया। आप सबको मैं वेलकम करता हूं और अपने दोस्तों को मेरे पास एक 6 सफ़ात की लिखी हुई तकरीर थी और मैंने वो गवर्नर साहब को दिखाई भी है वो तो अपने साथ ले जाएंगे लेकिन चूंकि मेरी आदत है कि मैं फिल्मी बात करने की कोशिश करता हूं और होनी भी यही चाहिए। गवर्नर साहब कई साल पहले आप यहाँ तशरीफ लाए और आप उस वक्त भी गवर्नर थे इसी तरह ये हाल बड़ा हुआ था दरमियान में मैं भी बैठा हुआ था और आपने जिस तरह वो खूबसूरत गुफ्तगू की जो आपके नजरिए में ख्वाब थे वो हमारे साथ शेयर किए और गवर्नर होते हुए आपने जिस तरह की वो बातें की तो बरमला अपनी आदत के मुताबिक मैंने आपको कहा कि गवर्नर साहब जिस जगह पे आप गवर्नर हैं लगता है कि आप वहां नहीं रहेंगे आप हम में से आ जाए हम में आ जाए और वही हुआ। चूंकि आपके ख्याल इस पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की किसी हुई आवाम के लिए और लोगों के दुखों का मदावा करना चाहते थे लेकिन गवर्नर साहब मेरा आपसे एक सवाल भी है बड़े अदब एहतराम के साथ आप मेरे लीडर हैं और इस शहर के सबसे बड़ी अल्लाह ताला ने आपको दोस्त दी है और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आप चाहते थे कि इस तरह की एक तब्दीली आ जाए और मैं उसका हिस्सा बन जाऊं लेकिन जल साहब बहुत सारे मसाइल अब भी ऐसे हैं जिनको आपकी जरूरत आपका विजन बड़ा क्लियर है कुछ मुश्किलात होंगी लेकिन मैं पूर्ण उम्मीद हूं कि आप इस शहर नहीं बल्कि इस सूबे के लिए बहुत कुछ करेंगे। एक बात मैं आपसे कहना जरूरी समझता हूं कि इक्तदार अल्लाह की वो दी हुई इज्जत और नेमत है कि जो बार बार उन लोगों को नसीब होती है जो नेक नीति से खलूस दिल से लोगों की खिदमत करते हैं। शोहरत और इज्जत में बहुत फर्क होता है शोहरत बदनाम लोगों के भी हिस्से में आ जाती है लेकिन इज्जत ये अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं लोगों को नसीब करवाता है जो लोगों की सच्चे दिल से खलूस दिल से इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनका विजन उनकी सोच इस पाकिस्तान के लिए कहीं पे 1% भी मैं नहीं समझता कि उनकी नीयत पे शक किया जाए। वाहद बंदा है जिसपे जो दिली तौर पे चाहता है कि ये पाकिस्तान तरक्की की तरफ चले
यहाँ से करप्शन का खात्मा हो, लोगों की इज्जत हो। मेरा ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क जो है वो तरक्की की मंजिलें तय करता होगा, पूरी दुनिया में नंबर वन मुल्क बन जाए। इसके साथ साथ गवर्नर साहब, आप सिर्फ गवर्नर नहीं है, मैं आपको और इस हाल को ये बात रियलाइज करवाना चाहता हूं कि आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक बहुत की मैन और उसके लीडर हैं। इस शहर से हैं, टोबा कोई दूर नहीं है, इसी डिवीजन का हिस्सा है आप, साइन ऑफ द सिटी। आप पे कुछ कर्ज भी है, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिसके लिए आपकी नजर की जरूरत है। आपकी एक नजर हमारे बहुत सारे मसाइल का हल है। आप बेशक ड्रिंकिंग वाटर पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरत है इस पे मजीद काम करने की जरूरत है। हमारा एयरपोर्ट जिसपे फैसलाबाद चैंबर ने अपनी बेहतरीन सलाहियतें मियां जुवेर इकबाल साहब की कमेटी की शक्ल में सरल करके और उस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको इंटरनेशनल करवाया, लेकिन अब भी उस पे बड़े जहाज नहीं उतरते क्योंकि रनवे छोटा है। ये मसाइल जो मैं आपको बयान करूंगा, ये चंद है जो इस शहर के लिए हैं, जिनका बराए रास्त इस इलाके की तरक्की से तल्लक है। जब आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे अरूज पे होगा तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह यहां से तरक्की और बढ़ेगी। उस पे आपने खास तवज्जो देनी है। दूसरा सर, इस चैंबर की, इस ताजर बरादरी की पिछले 4 साल से हम कोशिश कर रहे हैं एक्सपो सेंटर के लिए 8,000 एकड़ पे हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट बनी हुई है, जिसके दो हिस्से हैं, एक फेडमेक और एक अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट, जिसका अभी 3 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर साहब इनॉग्रेशन रखेंगे। लेकिन एक्सपो सेंटर ना होने की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल्स, हमारी इंडस्ट्री, हमारे सनअतकार वो सफर कर रहे हैं और इस शहर की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। 70 एकड़ जमीन भी एलोकेट की हुई है। सर आपकी सिर्फ तवज्जो चाहिए, ईडीएफ से उसके जो फंड्स हैं सिर्फ वो रिलीज करवाने हैं आपने, और मुझे उम्मीद है कि आप इस पे भी इंशाल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे। ग्रीन एंड क्लीन फैसलाबाद चैंबर ने हमेशा एक वाइटल रोल प्ले किया है इस फैसलाबाद की तरक्की में। डिजास्टर हो, जलजला हो, शहर में कोई तरक्याती काम हो, हर जगह पे आपको लीड करता हुआ नजर आएगा। बल्कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने डैम का और चीफ जस्टिस साहब ने मिस्टर का एक मुहिम चलाई थी, उसमें भी 1.5 करोड़ रुपए का हिस्सा आपके बदले, आपके हाथों से चेक हमने दिए। हम हमेशा हरावा दस्ता रहते हैं, तो हमें आपसे ही उम्मीदें हैं कि आप हमारे मसाइल को हल भी करेंगे। सर कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से है, मैं उन्हें स्किप करूंगा। जो 3-4 बड़ी चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि आपके ही करने से हमारे हल होंगे। ये हमारा जो दोनों मोटरवेज बनी है सर, उसमें दरमियानी फासला इस तरह का है और इंटरचेंज इस तरह के बनाए गए हैं कि फैसलाबाद शहर को जिस तरह उससे फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। अगर आप एयरपोर्ट से सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला है, पेंसिला से आगे जाके हमें इंटरचेंज दिया गया, अगर वो मिल जाए 4 किलोमीटर दामला से सामने, सिर्फ 4 किलोमीटर अगर आप उसको लिंक कर दें तो एक बहुत बड़ा आप देखेंगे कि हमें इंटरचेंज का फायदा होगा। दूसरा सर,
زیل گجرا چیک نمبر 424 جو کہ موٹر وے ایم فور کو انٹرچینج چاہیے وہ مطالبہ پورے شہر نے کیا اور آپ کے ایم پیز نے بھی کیا ہے تو سر اس میں بھی آپ کی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج آپ کے یہاں بیٹھنے سے آنے سے اس شہر کو صرف ایک نشست نہیں ملے گی کہ آج ہم نے گورنر صاحب کو بلایا ان کی باتیں سنی میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکل کام ہوگا آپ کو یہ چیزیں نہیں چاہیے ڈرائی پورٹ کا گٹ والا روڈ سر یہ وہ چیزیں گورنر صاحب میں کہہ رہا ہوں جو عرصہ دراز سے یہ ایم پی اے بیٹھے ہیں ہمارے پاس یہ پارلیمنٹیرین وہ ہے جو دن رات ہم دیکھتے ہیں یہ کرتے ہیں لیکن اس کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے وہ اب اس صوبے میں آپ سے زیادہ کوئی ملک پر شخصیت نہیں ہمارے پاس جس کے ساتھ جا کے ہم بات کریں آج اس 250 تاجروں کے سامنے آپ سے یہ گزارشات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم دوبارہ آپ کو بلائیں ان چیزوں کے افتتاح کے لیے آپ کو بلائیں نہ کہ سر فیصل آباد سے یہ میں آپ کو جو لکھا ہوا ہے نا تحریر یہ بھی دوں گا یہ ہمارے اسی کنار روڈ کے اوپر آگے جائیں تو یہاں سے ایک ریلوے لائن جڑا والا گزرتی اس کا 210 فٹ وہ چوڑا پیچ ہے اس کا ٹریک ہے اس کا اور 500 ایکڑ وہ زمین بنتی ہے اگر آپ اس کو ایک روڈ بنا دیں ایکسپریس وے بنا دیں 210 فٹ جس سے آپ کے یہاں کے 1 کروڑ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور اس پہ چند لوگ اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح قبضہ ہو جائے گا پھر وہ آپ کو اور مجھ کو اس شہر کو وہ زمین نہیں ملے گی یہ میں آپ سے اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے چونکہ آپ قبضہ مافیا کے خلاف ہیں آپ زمینوں کے قبضہ کرنے والوں کے خلاف ہیں آپ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور وہ زمین اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کی ہے سر ہمارے ایک ڈپٹی والا انٹرچینج اس سے براستہ کنال روڈ قصو صاحب آج چونکہ میں آپ کی ہی نمائندگی کر رہا ہوں آپ کی ہی باتیں جو آپ ان سے کرتے ہیں لیکن چونکہ ایز اے پریزیڈنٹ تاجر برادری اور کمیونٹی اور اس شہر کی نمائندگی کرنا وہ میرے اولین فرض ہے چور صاحب اس کی بہت ساری سڑکیں جو کرنیا والا سے جڑا والا روڈ ہے آپ اس کی کبھی ابتلی دیکھیں آپ اس کے کبھی مسائل دیکھیں اور شہر میں ایک دن لگائیں آپ کو پتا چلے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو کہ صرف آپ کی تھوڑی سی توجہ سے ہم حل کر سکتے ہیں گورنر صاحب یہ وہ مسائل تھے جنہیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی دوسری سال میری آپ سے گزارش ہے کہ لوگ ہمیشہ اپنی طاقت میں اضافہ کرتے ہیں اپنے دوستوں میں اضافہ کرنے ہی سے بندے کو طاقت ملتی ہے پارٹیوں کو طاقت ملتی ہے میں نے اپنے بہترین 4 سال جب مسلم لیگ نون کی حکومت نصف و نہار پہ تھی یہ سارا حال اور بیٹھی ہوئی قیادت یہ گواہ ہے تب میں نے اور میاں تنویر ریاض اور ظفر سندھو نے اور اجمل چیما صاحب نے 4 بندوں نے مل کے اس پاکستان میں پہلا انصاف بزنس فورم بنایا پہلا انصاف بزنس فورم جب کوئی نام نہیں لینا چاہتا تو میں آپ کو یہ چیزیں آپ نے اپنے کارکنوں کو سر مختلف کمیٹیوں میں عزت دی بڑی خوشی کی بات ہے کہ پہلی بار کسی نے اپنے ورکروں کو نوازا ہے لیکن سر یہ تاجر برادری کا بھی اگر ایک ایک نمائندہ بھلے کسی پارٹی سے ہو
लेकिन जिसे चैंबर कहे आप उन्हें भी हर कमेटी में शामिल करें और आपकी ताकत में इजाफा भी होगा। दूसरा, आपकी वर्किंग को समझते हुए, आपके दिए हुए वकार और इज्जत को समझते हुए लोग आपका साथ भी देंगे। आखिरी बात, गवर्नर साहब, इस शहर ने आपको बहुत सारी सीटें दी, लाहौर से ज्यादा दी, मुल्तान से ज्यादा दी। मुझे गुज्जर साहब भी देख रहे हैं, कास्ट्रो साहब भी बैठे हैं, मियां वारिस भी बैठे हैं, इश्फाक साहब तो बेताज बादशाह है, मैं समझता हूँ सूबे के, बहुत सारे हमारे एमपी एमएनए सर, इस शहर को हर हुकूमत ने मिनिस्टर दिए हैं। गवर्नर साहब, मेरा आपसे सवाल है, क्या इनमें अहलियत नहीं? इन लोगों ने वो काम किया है और इन लोगों का इंतखाब लोगों ने इसलिए किया था कि ये भी तक की उस जगह पे पहुंचे जहां पे हमारी बेहतर नुमाइंदगी कर सके। आज का ये हाल, मेरा ये भाई, मैं बात करनी चाहूंगा, जफर जफर आ गया होगी, पहली टेक्सटाइल पॉलिसी इस बंदे ने दी और इतना नजरअंदाज पार्टी के लिए इतना काम किया, खुदा की कसम आपसे मियां अदरीस और मियां जवेद ने ज्यादा बेहतर फैसला किया कि अपने चैंबर का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना लिया। और आप सोचें, जो लोग आपके लिए काम करते हैं, जो लोग आपके लिए वक्त देते हैं, सर अगर आपने कारकुनों को नवाज के यकीन करें अपने आप को मजबूत किया है, आप जिन जिन लोगों को नजरअंदाज जो हो चुके हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि गवर्नर साहब इनको भी एडजस्ट करें। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आपकी पार्टी के मुकाबले में भी इजाफा होगा और लोग खुश दिली से आपके साथ चलेंगे कि यहाँ वर्कर की इज्जत की जाती है, यहाँ लोगों को अगर कोई काम करता है तो उसे उड़ते से भी नवाजा जाता है, वो और जामशाली से काम करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन मसाइल को हल भी करेंगे और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला, कोई ज्यादा लंबा नहीं, कासरो साहब याद रखें, हमने सिर्फ दो या तीन माह के बाद गवर्नर साहब को इसलिए जान कराना है, आज हमने मुतालबात की फरिश्त इनके सामने रखी है, तब अजहार तशक्कर होगा इनके लिए। क्यों नहीं होगा? ये हाल इस बात का गवाह है कि आज जो मसाइल हमने बताए हैं और वो हल हो सकते हैं, जल्दी काम शुरू हो सकता है इंशाल्लाह ताला। अब इतनी जोर से तालियां बजनी चाहिए कि लाहौर जाते हुए याद रखें कि मुझे मुतालबा दिया है। थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट साहब, हमेशा आप दबंग बोलते हैं, आज भी आप दबंग की बात की आपने। सर मैं थोड़ा सा गुजारिश करना चाहूँगा कि सर इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो पॉलिसी बहुत फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि सर आपका प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत एक्सेस रहती है सर, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सर इस वक्त प्रोसेस के अंदर है और इंडस्ट्री को जो मेन जो प्रॉब्लम फेस होगी सर वो होगी फाइनेंशियल इशू सर। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सर इस वक्त जो सब्सिडाइज लोन हैं सर, प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात को चाहिए कि अगर हमने उनको स्प्रेड नहीं दिया मार्केट के अंदर तो बैंक जो है वो लिमिट को श्रिंक करे सर, अगर वो स्प्रेड नहीं हुआ तो सर इसमें कोई शक नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस रुक जाएगा, सेल्स टैक्स की वजह से पहले ही काफी पैसे ब्लॉक हो रहे हैं, इसलिए मैं सर आपके साथ ये बातें कहा पीछे आ जाना है थोड़ा पीछे कर दें, बहुत जरूरी है सर, कभी आपकी हेल्प चाहिए, जिस तरह आपने सर टेक्सटाइल पॉलिसी पे खड़े होकर पहला दिया और वो जो हमने अनाउंसमेंट की सर उसको आपने अनाउंसमेंट उस पर इम्प्लीमेंट करवाया सर, उस पर हम खड़ा करके तहजीब भी पेश करते हैं।
यहाँ पे बताता चलूं कि जो गैस और बिजली के रेट हमने टेक्सटाइल पॉलिसी में अनाउंस किए थे, गवर्नर साहब अगर उस पर स्टैंड ना लेते तो इम्प्लीमेंट नहीं होने थे, और इनकी कावरेज थी को प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारी कैबिनेट उसको अप्रूव किया और वो इम्प्लीमेंट हो गए। अदला तहकीर मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल गवर्नर पंजाब डॉक्टर शरण साहब से साहब, मिस्टर ख्याल कास्ट्रो एमपीए साहब, मिस्टर आदल गुजर एमपीए साहब, चौधरी अशफाक साहब, डॉक्टर असद मौजम साहब, मेंबर्स ऑफ फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं चैम्बर के प्रेसिडेंट का और इनके ऑफिस बेयरर का बहुत ही मशकूर हूँ कि इन्होंने आज मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और फिर पहले ही तकरीर में याद भी दिला दिया कि 6 साल पहले यहाँ मैंने तकरीर की थी और वाकई इन्होंने मुझसे उस वक्त कहा था कि गवर्नर साहब हमारा ख्याल है कि थोड़ा हूँ गवर्नरी करने का ख्याल नहीं है। तो बहरहाल मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अगर आपके पास कोई ओहदा है, अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते और अगर आप उस ओहदे से अवाम उन्नास को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते तो फिर ओहदे जो हैं वो बेकार हैं। और मेरा तो वैसे भी एक ईमान है कि इंसान की जो कामयाबी है उसका दारोमदार जो है वो कतन इस बात पे नहीं है कि उसके पास दौलत कितनी है, उसके पास ताकत कितनी है, उसके पास ओहदा कितना बड़ा है। जो लोग याद रखते हैं, जिनको तारीख याद रखती है, उन चीज़ों को याद रखते हैं कि जो उस ओहदे से उन्होंने अवाम नास को लोगों को फ़ायदा पहुंचाया होता है। और तारीख ने भी सारी तारीख का मुताला कर लें कि आज तक तारीख ने किसी शख्स का नाम जो है इस वजह से ज़िंदा नहीं रखा कि उसके पास दौलत थी, ओहदा था, ताकत थी। सिर्फ तारीख ने उन लोगों का नाम याद रखा है जिन्होंने लोगों की खिदमत की। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको मौका दे दिया है तो लेगेसी छोड़ के जाएं। लोग याद करें आपको कि फलां बंदा चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना था तो उसके दौर में ये काम उन्होंने इंडस्ट्री के लिए और सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके लिए की थी। तो मैं सबसे पहले तो ज़फ़र साहब को, इसलिए कि आपको मालूम है, मुझे अच्छी तरह याद है कि जो पॉलिसी अनाउंस हुई थी वो फैसलाबाद में टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस हुई थी और उसके तहत जो वादा किया गया था उसमें भी मुश्किलात थी, लेकिन मेरा ख्याल आप पाकिस्तान के लोगों को ये तो अंदाज़ा हो गया है कि मैं स्टेट टॉकर हूँ और जो बात चाहे उसके कंसीक्वेंसेस कितने भी भयानक हों लेकिन मैं सच्ची बात कहने से गुरेज नहीं करता। तो आप्टमा की मीटिंग थी, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे, बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी थी, तो उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में हमसे ये वादा किया था और फलां फलां गवर्नर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने प्रेसिडेंट साहब से पहले मेरी स्पीच थी, मैंने कहा भी जो बातें इन्होंने की हैं सच की हैं, वाकई प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने और असद उमर ने ये बातें किए थे और हमें इन वादों को इम्प्लीमेंट भी करना है। तो मैं समझता हूँ कि एक जो हमारा बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान का कि हमारा जो डॉलर बाहर जाते थे और बाहर से जो डॉलर मुल्क के अंदर आते थे उनमें 19-20 बिलियन डॉलर का डेफिसिट था जिसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है सबसे हमारी जमात की, हमारी हुकूमत की, हमारी मुआशी टीम की तरजीह ये थी कि इस करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इसको कम किया जाए।
क्योंकि कोई मुल्क भी 20 बिलियन डॉलर का गैप जो है वो किसी तरीके से भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको पूरा नहीं कर सकता, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती, स्टॉक मार्केट बेहतर नहीं हो सकती जब तक ये गैप जो है इसको आप कम ना करें। तो ये गैप कैसे कम होना था कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, इम्पोर्ट हमारी कम हो, और इसका जितना हमें एडवांटेज पॉलिटिकली मिलना चाहिए था वो इसलिए नहीं मिला कि बहुत से लोग जो हैं वो इवन मैंने बहुत से पढ़े लिखे लोगों से जब सवाल करता हूँ कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है तो उनको नहीं पता है। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है और मैं समझता हूँ कि ये मीडिया को भी जानना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी बड़ी अचीवमेंट है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसमें आप जो एक गुड्स है जो बाहर आप भेजते हैं और एक गुड्स बाहर से आप मुल्क में अंदर लाते हैं, एक उसमें डेफिसिट आ जाता है। उसकी सूरत हाल हमारी ये थी कि हमारा 2 बिलियन डॉलर का माल बाहर जाता था और 5 बिलियन डॉलर का अंदर जाता था और 3 बिलियन डॉलर का तो खसारा वहीं हो जाता। फिर आपकी जो सर्विसेज बाहर आप देते हैं वो बाहर के मुल्क आपको देते हैं, उनका जो डेफिसिट, और तीसरा डेफिसिट है कि जो यहाँ पर मल्टीनेशनल्स कंपनियाँ या दूसरे अदारे बिजनेस कर रहे हैं वो अपनी प्रॉफिट का हिस्सा बाहर भेजते हैं और जो हमारी कंपनियाँ बाहर भेजती हैं वो भी, और उसके बाद फिर आपका जो ओवरसीज पाकिस्तानी आपको बाहर से पैसे भेजते हैं वो भी शामिल हो जाता है जो कि 22 बिलियन डॉलर। तो इन सारा 22 बिलियन डॉलर को मिला के भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो 18-19 बिलियन डॉलर सालाना होता, और पिछले 4 महीनों में माशाल्लाह 6 बिलियन डॉलर 6 बिलियन डॉलर से 1.25 बिलियन डॉलर रह गया है जो कि बहुत बड़ी मैं समझता हूँ इस हुकूमत की। और इस हुकूमत की कहते तो आप ये हैं कि इस हुकूमत की, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान का बिजनेसमैन मेहनत करके अपनी एक्सपोर्ट को ना बढ़ाता और पाकिस्तान का इम्पोर्टर या पाकिस्तान के लोग जो बाहर से चीज़ें आती हैं उनके इस्तेमाल में कमी ना करते और अगर बाहर से लोग हमें इतनी रिमिटेंस ना भेजते तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट हुकूमत अकेले कम नहीं कर सकती। तो इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है हमारी बिजनेस कम्युनिटी को जाता है। और मैं हमेशा ये बात लोगों से कहता हूँ और मुझे UK में भी जब मैं था तो आई वॉज ऑलवेज दी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर दी बिजनेस कम्युनिटी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दफ़ा हमारे डिफेंस मिनिस्टर नाराज़ भी हो गए मुझसे कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट देना था शिप बिल्डिंग का, तो मैं आर्गू कर रहा था कि भाई ये बड़ी ज्यादती है, आप यूरोप को ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, पाकिस्तान इसको मिलना चाहिए, UK को मिलना चाहिए, हमारे इतने लोग जो हैं अनएम्प्लॉय हो जाएंगे इन स्कॉटलैंड। गवन शिप यार्ड वहाँ का बहुत बड़ा शिप यार्ड है जो कि बहुत पुराना, सबसे पुराने जो शिप यार्ड हैं उनमें से एक है। तो मुझे वो कहने लगा कि मैं कह रहा था कि BAE सिस्टम ने भी बेड डाली थी, उनकी बेड ज़्यादा थी, इसको दो आप उधर ना दो और इसलिए कि हमारे जॉब होंगे। तो मुझे कहने लगा कि आप काम जो है इस बिज़नेस कम्युनिटी के लिए करते हैं या ये काम जो है आप हुकूमत के लिए करते हैं। तो मैंने उसको कहा कि मैं आपको ये बात यकीन दिलाता हूँ कि मैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एडवोकेसी करता हूं, इनके बहाव पे लॉबी करता हूं, लेकिन इनसे कोई कंसल्टेंसी फ़ी नहीं लेता, लॉबी मुफ्त में करता हूं, लेकिन इसलिए करता हूं कि हमारे मुल्क की जो तरक्की है उसके पीछे बिजनेस कम्युनिटी का हाथ, इट इज़ दी बिजनेस कम्युनिटी विच क्रिएट्स वेल्थ, इट इज़ दी बिजनेस कम्युनिटी विच क्रिएट्स जॉब, इट इज़ दी बिजनेस कम्युनिटी विच पेज टैक्सेस जिससे मुल्क का कौम का निज़ाम चलता है। और मैं ये बात भी अक्सर कहता हूँ जैसे कुछ अदारे मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं कि हमारे वहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी को दो अदारे हैं, एक अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अदारा होता है जिसमें बिल्डिंग कंट्रोल और प्लानिंग डिपार्टमेंट, और एक कस्टम और अपना FBR है जिसको आप टैक्स लेते हैं जो, तो यहाँ 20-25 अदारे। सच्ची बात है मुझे तो खौफ आता है इस मुल्क में बिजनेस करने से, एक चिचड़ बंदे नूं लग जाए वो नहीं मान, जानवर नूं लग जाए उन्हें लै पैंदा है, इतने 20-20 चिचड़ एक एक बिजनेसमैन चिंबड़े और सरकारी चिपर चिचड़ और चिचड़ भी सरकारी ने, एक दूए होने तो फिर भी उन्होंने मुकाबला करना सौखा। तो मैं समझना
कि जिस तरीके से हमारी बिजनेस कम्युनिटी को मैं ट्रिब्यूट पे करता हूँ कि जिन मुश्किल हालात ये फिर भी पाकिस्तान के लिए, मैं आपको बताऊँ आजकल तो $2 लाख आप दे दें तो बरतानिया की आपको मिल जाती है, नौकरी पूरी फैमिली को मिल जाती है। आप $1 लाख दें तब टर्की में चले जाते हैं, $2 लाख की आप जायदाद खरीद लें तो आपको लटविया में और वहाँ पे आपको मिल जाता है यूरोपियन आपको नेशनल टीम। लेकिन ये लोग अगर पाकिस्तान में हैं या बिजनेस कम्युनिटी के लोग इसलिए हैं कि ये इस धरती से प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, इसलिए इन मुश्किलात के बावजूद ये लोग जो हैं अपनी हर चीज़ इस मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं और इस मुल्क के लोगों को जॉब क्रिएट करते हैं। तो इसलिए मेरी हमेशा कोशिश होती है कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो भी मसाइल हों उनको मैं टॉप प्रायोरिटी पे हल करने की कोशिश जो है करता हूँ, और सम टाइम अदारे इनके साथ ज़्यादती भी करते हैं और मैं कभी नहीं डरता अदारों से कि भाई मैं कह दूँ कि ज़्यादती आप कर रहे हैं, मैं कह देता हूँ कि आप ज़्यादती ना करें वरना ये बिजनेसमैन हमारा भाग गया तो फिर मुल्क के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलना, ये मुल्क बिजनेस कम्युनिटी के साथ चलता है। और मेरा और एक बात और भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि दो चीज़ें हैं जो इस मुल्क को बचा सकती हैं, जिस बहरान में हैं, जिस हम क्राइसिस में हैं, जिस हम डिफ़िकल्टीज में हैं, उसमें एक बिज़नेस कम्युनिटी है और दूसरा एग्रीकल्चर कम्युनिटी। अगर दोनों कम्युनिटीज़ मिल जाएं और हुकूमत का इनसे पार्टनरशिप हो जाए तो इस मुल्क में ये रेवोल्यूशन ला सकते हैं और हम इंशाल्लाह टॉप 20 जो कंट्रीज़ हैं मईशत के लिहाज से उनमें से एक पाकिस्तान बन सकते हैं, अगर हम अपने आप को अपने हालात को ठीक कर लें। मेरा ख्याल है पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी की सपोर्ट के बगैर सियासी जमातें इलेक्शन नहीं जीतती, ये मेरा बरतानिया का भी तजर्बा है, मैं आपको बता दूँ वहाँ पर तो हमारी पार्टी का नाम ही लेबर पार्टी है, हमारी पार्टी तो बिज़नेस की पार्टी, कंजर्वेटिव कहते हैं लेबर, लेकिन जब तक लेबर पार्टी ने ब्रेक थ्रू नहीं किया बिज़नेस कम्युनिटी में इलेक्शन नहीं जीती वहाँ पर। अब फिर उन्होंने कहा कि हमने नेशनलाइज कर लेना है, हमने ये कर लेना है, बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया तो पूरी तरह से इलेक्शन बरतानिया में हार गए। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तारीखी कामयाबी, और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपने फरमाया है कि इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल आपने सही बात की है, इसलिए कि मैं चांसलर हूँ यूनिवर्सिटीज़ का, और जब मैं यूनिवर्सिटीज़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आज भी सुबह था मैं कन्वोकेशन में, उसकी मिसाल देता हूँ कि जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितनी हमने उनमें इन्वेस्टमेंट की है और उस इन्वेस्टमेंट में आप देख लें कि इन्होंने हमारे मुल्क की जो फार्मिंग है, काश्तकारी है, एग्रीकल्चर है, उसके लिए क्या किया है। आज हमारी हालत ये है कि 15 मिलियन बेल्स तक हम अपनी कॉटन ले गए थे, 15 मिलियन बेल, अब हमारी टारगेटेड पहले 15 मिलियन बेल थी, फिर फर्स्ट एस्टीमेट 10.2 मिलियन बेल था और अब जो रियलिटी में जो हमें फिगर्स मिल रही हैं 9 मिलियन बेल हो हैं जी, 8.5 इससे भी लेस, देखो ना जफर कम अज़ कम ये नॉलेज तो रखता है ना चीज़ों का इसको, और मैं आज को सच्ची बात है कि इसने बड़ी मेहनत की है, ये जो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिलीफ मिला है उसमें जफर सरवर की बड़ी कंट्रीब्यूशन है और सारे चैम्बर की और सारे। अच्छा अब मैं आता हूँ सारी बातों, मैं कोई चीज़ नहीं करूँगा अपना, तो रिप्रेजेंटेशन के हवाले से ज़रूरी है, और मैं ये चीज़ सोच रहा था कि हमें, मैंने अपने स्टाफ से भी बात की है, लीगल डिपार्टमेंट से भी बात की है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी बात की है कि जो सिंडिकेट्स हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ के उनमें कम अज़ कम हमारे जो डिविजनल हेडक्वार्टर में चैम्बर्स हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो होना चाहिए, इंशाल्लाह उस पर मैं काम कर रहा हूँ और हमारी कोशिश है कि वहाँ पर चैम्बर की रिप्रेजेंटेशन जो है हो, ताकि आप यूनिवर्सिटीज़ में बिजनेस से बिल्कुल यूनिवर्सिटी दूर हैं,
حالانکہ ہر یونیورسٹیز میں بزنس کا ہب ہونا چاہیے, بزنس سینٹر ہونا چاہیے, وہاں پر انڈسٹری کے لوگوں ہونا چاہیے. پیپل شوڈ کم اپ ود آئیڈیاز کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, آج کل کے زمانے میں, پرانا زمانہ نکل گیا کہ ہر چیز کے لیے پیسہ درکار تھا. آج کل جتنا آئیڈیاز امپورٹنٹ ہے اس سے کم پیسے امپورٹنٹ ہیں. آپ آئیڈیاز لے کے کسی بزنس مین کے پاس جائیں, بزنس مین کو پتا ہو میرا پیسہ بنتا ہے تو اس کو اسٹیک دیتا ہے اس میں, اس آئیڈیا کی وجہ سے. تو اس لیے وہ آئیڈیاز آئیں یونیورسٹیز میں, ان پہ ریسرچ ہو اور اس کے بعد بزنس کمیونٹی آئے. صرف انڈیا میں ایک سال میں یونیورسٹیز نے اپنے اندر جو بزنس سینٹر وہاں پر بنائے ہوئے ہے, 11 بلین ڈالر کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, کمپنیاں جو انہوں نے یونیورسٹیز میں بنائی. تو ہمیں بھی اس طرف جانا ہے. ہم نے اپنے جو سینٹرز ہیں بزنس سینٹرز, وہ پوری اسمان یونیورسٹی جو ہیں انہیں بنانے ہیں. ان میں ہم میرٹ انشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں اور اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فرق جو ہے پڑے گا. اس کے علاوہ پانی پینے کے صاف پانی کی آپ نے بات, اس میں فیصل آباد میں 2 پروجیکٹ آلریڈی اس پہ کام ہو رہا ہے. اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے ایشوز میں نے آپ نے پڑھے ہیں, جتنے آپ نے سنائے ہیں اور جتنے آپ نے دوسری جو تقریر کرنی تھی اس میں لکھے ہوئے ہیں, یہ سارے ایشوز آپ کے ایم این اے ایم پی اے ہر ہفتے میرے ساتھ ریز کرتے ہیں. بالکل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور میں یہاں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے تمام ایم پی اے جو ہیں, جتنے بھی پروونشل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کے ایم پی اے کے ساتھ مل کے میں اپنے دفتر میں سیکرٹری پی این ڈی کو بلاؤں گا, چیئرمین کو بلاؤں گا, فائنینس منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے میٹنگ میں شامل ہوں گے, ہمارے آپ کے چیمبرز کے ایک دو ریپریزنٹیو ہوں گے, اور انشاءاللہ وہاں پر بیٹھ کر آپ کے جتنے بھی ایشو جو بھی ہم کر سکتے ہوئے اس بجٹ میں یا اگلے بجٹ میں انشاءاللہ آپ کے تمام ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے. اس کے علاوہ جو فیڈرل کے ایشو ہیں وہ ایم این اے کے ساتھ مل کے, جو بھی فیڈرل منسٹری ہے ان کے ساتھ بھی آپ کی میٹنگ ہے کریں گے. تو آپ نے جتنے ایشوز کہے ہیں بالکل سارے کوئی اتنے مشکل بھی نہیں ہیں, کوئی اٹ از ناٹ امپاسبل ٹاسک. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرا شہر سے تعلق ہے تو یہ جو آپ کے مطالبات ہیں یہ میرے بھی مطالبات وہی ہیں, تو اس لیے میرے یہ ذاتی مطالبات ہیں اور ان کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پورا ہم اس میں آپ کو ہیلپ جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو مجھے ابھی شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ کاشف اشفاق صاحب ماشاءاللہ تمام ایم پی ایز کے ساتھ مل کے, بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے اپیڈمک میں بہت کام جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے کوشش کی کرنی ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہ نوجوان لوگ ہیں دے آر فل آف آئیڈیاز, یہ بچے جو ہیں یہ آئیڈیاز سے فل ہیں, یہ نو بیٹر دین اس, ان کی جو ہے اپنی موٹیویشن اور ویژن ہماری جنریشن سے بہتر ہے. تو انشاءاللہ جو بھی ان کے معاملات ہوں گے ان کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش جو ہے کی جائے گی. میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا اور انشاءاللہ انٹرچینج کے حوالے سے جی وہی میں سارا جتنے بھی ایشوز ہیں عادل صاحب آپ ہوں گے, میں بیٹھا ہوں گا, چوری اشفاق صاحب کو پتا ہے ہمارے ٹوبے کے ایشوز ہے, ہم نے چوری اشفاق صاحب کو بلایا, وہاں کاشف تھے, فائنینس منسٹر صاحب تھے, پی این ڈی والے تھے, تو ان کی منت سماجت کی کہ بھائی چلو مہربانی کرو. یہ تو کہنا پہ جی ہوں میں سکھتا پیا, پہلی ہری ڈاڈی تقریر میں کوئی نہیں کریندا پیا. جی سوال میں لیتا ہوں بیٹا, اے یار مجھے بات ختم تھوڑی دیر بس کر لگا تھا سر, سکون ہے ہمارے نا سر, اس میں ایک گھنٹے کا جو پروگرام ہے جسے ناظرہ کا پروگرام ہوتا تھا ناظرہ, میں وہ بیچ والی بات نہیں کرنے لگا بھائی, جو ہمارے سکول ہے اس میں پہلے ٹیچر پڑھاتے ہوتے تھے پرانے پاک بھی پڑھاتے تھے, اور اس میں وہ جسے وہ 0 پیریڈ کہتے تھے سر, ہوتا تھا وہ 0 پیریڈ کا لیکن 100% رزلٹ ہوتا تھا اس کا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے بھیم دا گورنر آف دا پنجاب کہ کائنڈلی جو کمشنر صاحب ہیں فیصلہ آباد کے یا جو بھی ان کے جو اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, ایک گھنٹے کا جو پروگرام ہے وہ بچوں کو کیونکہ سب میتھ پڑھاتے ہیں انجینئر سکھاتے ہیں لیکن جو بچہ سیکھتا ہے وہ آگے امپلیمنٹ کرتا ہے. تو اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو مائی آنریبل گورنر آف دا پنجاب, میں نے 6 بجے 6 کیونکہ یہ
बहुत जरूरी है, बाकी होते रहेंगे। ये पूरे आप इंस्ट्रक्शन दें, बाकी आप इसको फॉलो करेंगे, कब ये इंप्लीमेंट हो। 6 बजे मैं और आपके MNA MPAs मिल रहे हैं कमिश्नर साहब से भी, RPO साहब से, इंशाल्लाह उनके साथ हम ये इशू जो है वो टेकअप करेंगे। तो मैं तो जो बाजारों में मैंने कहा कि ताजरों को और चैम्बर को नुमाइंदगी जिस तरह एफडी है मुख्तलिफ बाजारे हैं वो लाजमी है। जी जी इंशाल्लाह, वो तो मैं पहले ही कहा है कि हमने जितने भी लोग हैं चैम्बर के उनको इंशाल्लाह है जी, हर जगह है चैम्बर के। लेकिन हम मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि जितनी ज़्यादा चैम्बर की रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ तंजीमों में होगी उससे हमें फ़ायदा होगा। तो मैं पानी के पीने की साहब बात कर रहा था पहले, मैं ज़रा इस पर डाल, तो मैं मेरी एक मिनट बेटा मुझे बात 2 मिनट कर लें फिर मैं सवाल ले लूँगा, 3-4 सवाल। तो पानी के हवाले से आपको मालूम है कि हमने एक आबे पाक अथॉरिटी बनाई है पंजाब में, जिसको ये दिया गया है चैलेंज कि वो पूरे पंजाब में अगले 4-5 सालों में पीने का साफ पानी बनाएगी, पहुँचाएगी। उसमें डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हमारी बन गई हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी में भी हों, और एक हम रीजनल कमेटी बना रहे हैं उसमें भी हम चैम्बर का सदर या उसका रिप्रेजेंटेटिव, इंशाल्लाह जो डिवीज़न की कमेटी होगी उसमें आपका नुमाइंदा जो है पानी का वहाँ पर इंशाल्लाह मौजूद होगा, ताकि आप लोग जो हैं इस कार्य खैर में हैं और दूसरी अपनी गुड कंट्रीब्यूशन जो है इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस आप जो है अपना रोल जो है वो प्ले कर सकें। जी आप सवाल कर लें। ठीक बात है आपकी, मैंने कहा मैं आपसे उसका क्या फौरी तौर पर अमल में लाया जाए वो 2001 से चल रहा है ये बात। और दूसरा मसला जो है ये हमारे शहर के बिल्कुल करीब टॉल प्लाजा है, ये शहरी इधर ही घूमते रहते हैं, इसको खत्म करने की जरूरत है, इसको टॉल प्लाजा को फुटने वाले से आगे ले जाने की जरूरत है। ये मैं 2 पॉइंट ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बलदियाती अदारे जो थे ये हफ्ते के साथ इनको इसी सूरत में जैसे भी करना जल्द जल्द शुरू किया जाए ताकि लोगों का बंधक रहे। ये काफी अर्थ से ये सियासत का शिकार हो रहे हैं, पहले ठीक नहीं किया, अब आपको इसको मैं समझता हूं कि आज आपने जो बात की है सबसे अहम बात जो है वो आपने की है, हमारे मुल्क के जो आज मसाइल हम पेश हो रहे हैं उसकी बड़ी वजह जो है वो बल्दियात का ना होना या बल्दियात को एम्पावर ना करना, रिजोर्स ना देना है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ था 2 रीज़न थी, मैं गवर्नर पंजाब था लेकिन मैंने उनका जो लोकल गवर्नमेंट बिल जब पढ़ा कि उन्होंने निचले सतह पे अपनी जो पावर्स हैं दी हैं और उनको 30% डेवलपमेंट बजट भी दिया है विलेज काउंसिल्स को, तो फिर दूसरा उन्होंने जो डीपोलिटिसाइज किया अदारों को, तो 2 चीज़ें थी जिन्होंने मुझे कन्विंस किया कि ये पार्टी ऑफ चेंज है। और इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हुकूमत ने अभी मैंने वो पार्लियामेंट का इजलास आपने देखा होगा कि कॉल किया है और अगले 2 हफ्तों में ये जितने भी सुकम हैं उसमें उनको दूर करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जितनी जल्दी होगा इनका इलेक्शन जो होंगे ताकि बल्दियाती अदारे अपना काम शुरू कर दें। अब वो एफडीए में उनके लक्ष्य भी पास किए थे, अब वो छोटे छोटे आदमी हैं उधर
छोटे-छोटे प्लाटों वाले, अब वो कलोनियां बैन की हैं, देख लो 10-10, 15-15 हज़ार का लेकर के उनकी उनकी भत्ती ला रहे हैं। प्लीज मेहरबानी, आप आपके साथ रिक्वेस्ट है, ये बहुत पिसा हुआ तबका है, छोटे छोटे प्लाट है, 5-5 मरले के 3-3 मरले के, और कोई सुनवाई नहीं हो रही, इनका बैन खत्म करें। FDA ने कहते हैं जी बैन लगाया हुआ है, लेकिन वो FDA ने नक्शे भी पास किए हुए, इसमें आवाम का क्या कसूर है? और ना उधर कोई वो अमेरिकी है, वो हम किसी पुरानी कहते हैं जी 10,000 ये मैं आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनसे डिस्कस करूंगा। सर मैं कहता हूं ये करप्शन जो है ना, ये खत्म नहीं हुई, मेरे नजरिए में करप्शन का रेट बढ़ गया, जो 300 रुपए में थी जो हर महीने थी, अब 13,000 रुपए में निकल गया, करप्शन का रेट ज्यादा हो। ठीक है, इंशाल्लाह इसका करेंगे जी, करप्शन को तो खत्म करने के लिए हम आए हैं जी। एक साथ दाने की नौकरी करेंगे जी, चिन्नौर से आए हैं गवर्नर साहब जी, ये चिन्नौर फर्नीचर एसोसिएशन के हैं, और चिन्नौर से नाम दानिश चौधरी है, मैं फर्नीचर एसोसिएशन चिन्नौर का प्रेसिडेंट हूँ, और फर्नीचर एसोसिएशन की नुमाइंदगी के लिए यहाँ पे आया। गुज़िश्ता दिनों आपने ऐलान किया था फर्नीचर पॉलिसी के हवाले से, जिसका इम्प्लीमेंट आप 3 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब फैसलाबाद में करने जा रहे हैं, 200 एकड़ जमीन पर आपकी मदद घर बनाने जा रहे हैं, इसमें सर आप फर्नीचर के लिए इंडस्ट्री सिटी का डिक्लेयर भी करने जा रहे हैं। मेरा मुतालबा या मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है, चिन्नौर का फर्नीचर पूरी दुनिया में मशहूर है, चिन्नौर के कमों पर 6 लाख रुपया इस पेशा से वाबस्ता है, और आप फर्नीचर सिटी बनाने जा रहे हैं फैसलाबाद में, जो कि बड़ा अच्छा काम है, बनना चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये इकदाम चिन्नौर में भी बनाया जाए। आपकी काविशें, आपकी जो भी आपकी पॉलिसी है बहुत बेहतर है मुल्क कौन के लिए, हम इस पर आपके साथ हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ जो चिन्नौर का हक था जो इसका बारे बनाया बिल्कुल बनाए, इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि ये चिन्नौर बने, अगर ये चिन्नौर में क्लियर हो जाता है बन जाता है तो ना सिर्फ पाकिस्तान से चिन्नौर से एक्सपोर्ट का इजाफा होगा, जरा मुबादला कमाने का जरिया बनेगा, और ये हर सूरत बनना चाहिए चिन्नौर में। और दूसरा एक मुतालबा, राणा साहब चिन्नौर में तजीब लाए थे प्रोग्राम में, इन्होंने एक रोड के हवाले से बहुत चल रही थी, चिन्नौर फैसलाबाद रोड सर जो कि हादसा से गढ़ बन चुका है, आए रोज आए दिन ये तकरीबन ये हर हफ्ते दूसरे 3-4-5 एक्सीडेंट और मौत होती है, खुदा रहा इसकी तरफ भी तवज्जो नहीं है। ताकि बहुत बड़ा मसला, पंजाब का सबसे डेथ रेट इस रोड पे है, रोड पे फैसलाबाद से जी, ये पता मुझे मेरे इल्म में बहुत से लोगों, दोनों जो चीज़ें आपने बेटा कही हैं दोनों इश्यूज़ मेरे नॉलेज में हैं, इसलिए कि चिन्नौर की जो बिज़नेस कम्युनिटी है देर कंसर्न के अगर उनकी जो लाइवलीहुड है बिज़नेस कहीं उनका दूसरी तरफ जाएगा तो उनकी लाइवलीहुड मुतासर होगी, वो चाहते हैं कि वहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा हो जाए ताकि दोनों प्रोजेक्ट एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्री हों, एक दूसरे की कास्ट पे ना हो, तो उस पर इंशाल्लाह मिनिस्टर इंडस्ट्री से मैं टेकअप करूँगा ये कर लेंगे। हाँ जी पहली बात तो ये है बड़ा बड़ा अहम क्वेश्चन है ये, मतलब हमें नहीं वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं यार, एक मिनट जरा बात मेरी कर, बाद में नहीं वो सुन रहे हैं भाई, मैं जवाब दे लूं भाई। Thank you.
चलो पाँच मिनट और देना, दो साल और बैल बैल बैठ भाई ले भाई भाई बात देखिए मैं भाई देखे मैं कभी भी किसी जगह पे ना क्वेश्चन आंसर लेने से घबराता हूँ, जवाब भी देता हूँ और बिल्कुल कोई मुझे नहीं हुआ इसलिए। अच्छा जो आपने बात की है, बात यह है कि मैटर कोर्ट में है, हर बंदा ये फैसला नहीं कर सकता कि ये गैर कानूनी है ये कानूनी है ये नहीं है, इसका फैसला हमारी कोर्ट्स ने करना है। तो आप लोग कोर्ट में गए हुए हैं, अगर कोर्ट कहेगी कि गैर कानूनी है तो आप लोग बहाल हो जाएंगे। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं आपसे ज़रा वो सुन ले मेरी, वो बात ये है कि आप लोग पूरे पंजाब में आप लोग मुंतखब हो गए, एक साल तक तो आपका हल्फ नहीं उठाया गया, एक साल के बाद जब आपका हल्फ हुआ तो आपको कोई इख्तियार नहीं दिया गया, कोई आपको पैसा नहीं दिया गया। तो ये अदारे जो हैं लोकल गवर्नमेंट के, ये अदारे हों या न हो इनमें क्या फर्क है? हम जो अदारे बनाने जा रहे हैं, ये आपकी बात तरसनिया के तहसील लेवल पे नहीं होगा, हर विलेज में बैठा होगा ये चीजें जो जिन लोगों को आवाम की सहूलतें हर विलेज में मिले। दिस इज कॉल्ड डेवोल्यूशन ऑफ पावर। एक दूसरी बात यह है कि ये जो विलेज काउंसिल होंगी 30% ऑफ डेवलपमेंट बजट पूरे पंजाब का 30% इन लोगों को मिलेगा और वो खर्च करेंगे, और ये लोग सियासी भी नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं ये नॉन पार्टी बेसिस पे होंगे, ये वो लोग सोशल वर्कर जो हैं जो लोगों की दिन रात खिदमत करते हैं वो आगे आएंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये ट्रेडिशनल हमारी हुकूमत आ रही है इसको अगर तोड़ने का तरीका यही है। और आप जाके देख लें खैबर पख्तूनख्वा में कि जितने नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुए हैं उनमें कोई आया है जो सोशल वर्क करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है, किसी गरीब का काम करता है, सारे लोग वो जीते हैं। और यहाँ भी आप देखेंगे कि इंशाल्लाह एक ग्रुप ऑफ द पीपल हु सर्व दे आए भाई, वो तो डेवोल्यूशन चल रहा है ना वहाँ भाई, वहाँ तो चल। अच्छा और भी क्वेश्चन, कोर्ट के केस का इंतजार करें भाई, कोर्ट के भाई एक मिनट तशरीफ रखे, बस खत्म हो गया, खत्म है एक मिनट, एक मिनट जी, यार हाल ही उठ के चल देगा फिर की कर देगा। उम्मा जिन मुश्किलात का शिकार है, आज हम हमारा बैतुल मकदस जो यहूदियों के कब्जे में है और आज जो कश्मीर में जुल्म व सितम हो रहा है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे चलना छोड़ दिया है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया था कि अगर दरियाए फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो खलीफा वक्त उसका जिम्मेदार होगा। तो हमारे तो इंसान मर रहे हैं भाई, हमारे इंसान मर रहे हैं। इस सिस्टम को हमने तब्दील करना है, ये ओवरनाइट नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, मेरे भाई बात सुने, बात यह है कि हमें एक चीज़ जेन में रख लें कि हमारे मुल्क ने 10-15 साल बड़े मुश्किल गुजारे हैं, दहशतगर्दी थी, इंतहा पसंदी थी, अमन अमान का मसला था। तो अब ये मसले इंटरनल सिक्योरिटी हमारी बेहतर हुई है, आप देखें कि दुनिया के अब मुल्क ये कह रहे हैं कि नंबर वन डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म इज पाकिस्तान। देखें ये बहुत बड़ी चेंज है। और आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पूरा इंडिया कश्मीर बन गया है, हर
हर शहर में इंडिया के हंगामे हो रहे हैं और लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हम अपनी मईशत तो ठीक कर लें और हमें कायदे आजम ने जो फरमाया था यूनिटी फेथ डिसिप्लिन उस पर अमल कर लें और ये मुल्क अशराफिया का मुल्क ना रहे, ये आम गरीब लोगों का भी मुल्क बन जाए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में शुमार होगा। सर शील अभी प्रेजेंट करेंगे।